एक मसला खड़ा होता है पाकिस्तान को लेके, हर छोटा बड़ा आदमी ललकारता है भारत में, ये एक फैशन भी है क्या कि भाई चलो दो दिन हो गए बोले पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करेंगे, ठीक एक है, अच्छा भी लगता है जनता को, ठीक। चाइना को लेके कोई भाव ही नहीं बनाया और भारत के दो रक्षा मंत्री कहते रहे कि भाई साहब सबसे बड़ा शत्रु चीन है, उसको समझिए, पाकिस्तान तो नंगा भूखा है, चाहे जब दो कंटा मार दीजिएगा उसके। जी अमिताभ जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बाकी आप सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय। देखिए अमिताभ जी, अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था तो भैया हमने उनके संग उनको उनको बिजनेस दिया, तो ये जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही हास्यास्पद बात मैं कहूं या अदूरदर्शिता का परिचय दूं या फिर चीन की परोक्ष रूप से भक्ति कहूं, कि आप सोचिए कि यदि मेरा घर मुझे मजबूत करना है तो क्या मैं सामने वाले के अंदर रोजगार पैदा करूंगा और वहां से सामान खरीद के लाऊंगा और अपने घर में यूज करूंगा क्या? देश, अपना देश या अपना घर तभी मजबूत होता है जब आप आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, और आर्थिक रूप से कब मजबूत होते हैं? जब अपने देश के अंदर कारखाने लगेंगे, अपने देश के अंदर इंडस्ट्रीज लगेंगी, अपने देश से माल बनेगा और विदेश जाएगा। लेकिन आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं आपको अमिताभ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ही बैठे, और मैं आज पार्टी लाइन से ऊपर उठ के बात करना चाहता हूं आर्थिक रूप से आंकड़ों के साथ। देखिए अमिताभ जी, हमारे देश में रबड़ प्रोड्यूस होता है, रॉ रबड़ आप जानते हैं, केरला साउथ इंडिया साइड में बहुत रबड़ प्रोड्यूस होता है, बड़े बड़े रबड़ के जो पेड़ से निकलता है रबड़ का दूध और वो रॉ रबड़ बनता है। अब देखिए भारत एक्सपोर्ट करने में रबड़ को विश्व में तीसरे स्थान पे है, आप गूगल कर लीजिए, लेकिन हमारे यहाँ रबड़ से बन के जो चीजें बनती है, चाहे वो टायर ले लीजिए, चाहे और भी कई चीजें ले लीजिए, वो सब चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सोचिए हम रॉ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं लेकिन हम उससे बनी हुई चीजों को इंपोर्ट करते हैं। ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रही, भारत के अंदर रबड़ प्रोड्यूस होता है वो चीन भेजा गया, वहां से सामान बन के आएगा वो भारत और पूरे विश्व में जाएगा। चाइना ने कांग्रेस पार्टी को अपने हाथ की कठपुतली बना के रखा, इसको कहने में बिल्कुल दो राय नहीं है। चाहे नेहरू जी के समय में 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन गई हो, चाहे वो पंच सिद्धांतों के नाम पे हमारी सुरक्षा की जो सुरक्षा परिषद में हमारी जो है सीट गई हो, चाहे उसके बाद आप देखिए यूपीए में, यूपीए टू उठा लीजिए, अभी तत्काल पहले की बात है, जब प्रधानमंत्री की सत्ता में आया उससे पहले इस देश के अंदर एक चलन चल गया था। मैं दिल्ली से हूं, दिल्ली की, पुरानी दिल्ली के अंदर कोई भी व्यक्ति है वो कोई एक मॉडल लेके जाएगा, नमूना, चीन उतरेगा, 6 घंटे की फ्लाइट है, वहां लोग बैठे, दलाल बैठे हैं, आइए वो दिखाता, भैया ये बनवा के दे दीजिए हमको, वहां बनेगा कंटेनर में भर के हिंदुस्तान आएगा और हिंदुस्तान में त्योहारों में वही बटेगा या हमारी रोजमर्रा की चीजों में वही प्रयोग होगा। हम लोग उपभोक्ता बन गए थे, प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले आते ही कहा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप अपने देश में जनरेट करेंगे। सुन लीजिए, पहले बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला, सुनने की हिम्मत रखिए, आपको नंगा कर रहा हूं मैं, सुन लीजिए, आपको नंगा कर रहा हूं मैं, सुन लीजिए, आप लोगों ने कैसे देश को लूटा है, आपके एनजीओ के, कांग्रेस परिवार की एनजीओ को आपने फंड किया, आपके राहुल गांधी जी जाकर वहां पर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए बोलिए जी मैथिल जी। जी देखिए, कांग्रेस का सदैव एक ही टारगेट रहा, भारत के अंदर इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं होनी चाहिए, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन किया, इन्होंने सदैव स्वदेशी अभियान का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव स्वदेशी अपनाओ का टारगेट बनाया, और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद भारत के अंदर स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, और भारत के अंदर इंटरप्रेन्योर तेजी से बढ़ने लगे। और मजे की बात बताता हूँ मैं आपको, ये जिस सेना की बात कर रहे हैं, भारतीय सेना के पास में यूपीए टू में
ये उनके खुद के इंटरनल रिपोर्ट है कि उनके पास ना तो गोलाबारूद था। ठीक है, दोनों लोगों को रोकूंगा, दोनों लोगों को रोकूंगा, बीजेपी को भी कांग्रेस को भी। ठीक है, दोनों को रोकूंगा। मैथिल जी अभी रुकिए, विकास जी अभी तक दोनों की आवाज रुकी, अभी दोनों को रोकिए। मैं गोपाल सिंह जी, एक स्थिति होती है कि भाई क्या सीधी लड़ाई लड़ सकते हैं, ये लड़ना उपयुक्त है रणनीतिक स्तर पर? ठीक, अगर उत्तर आता है कि नहीं सीधी लड़ाई अवॉइड होनी चाहिए, क्या मेरी बात को समझिएगा, जरा गंभीर प्रश्न है, तो दूसरा एक ही रास्ता होता है कि आप अपने शत्रु को आर्थिक तौर पर कमजोर करें, और कमजोर ना कर पाए तो कम से कम अपने हाथों से मजबूत तो ना करें, नहीं, क्योंकि जितना घी दूध खाएगा तो बाद में हम ही को मारेगा, ये तो गांव वाला भी जानता है। क्या पिछले 30-40 सालों के भारत में, 90 में से मान लीजिए उदारीकरण जब से शुरू हुआ, 30 साल के भारत में, 35 साल के, दिवाली पे टांगने वाली झालर तक भारत में बनना बंद हो गई, दिया तक चाइना से आने लगा, पैसा नहीं जा रहा गोपाल सिंह जी? या हम सीधी लड़ाई लड़ने की स्थिति में कहना चलो भाई धूम धड़ाका, गोपाल जी? जी देखिए, 4-5 पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा। सबसे पहले कि हम भारत जो है ढाई फ्रंट की लड़ाई के लिए तैयार है, और ढाई फ्रंट की लड़ाई लड़ रहा है, पहला पाकिस्तान और सबसे बड़ा दुश्मन चीन, उसके अलावा हमारे देश के अंदर जो बाहरी लोगों के द्वारा जो भारत देश को आगे बढ़ना देखना नहीं चाहते, उनके द्वारा जो प्रेषित किए गए या स्लीपर सेल्स जो भारत में बैठाए हुए हैं, वो छोटी सी बात होती है, कोई बात होती है उसके ऊपर कूदना शुरू कर देते हैं लेफ्ट राइट, ये भी चीन की बड़ी सोची समझी साजिश की द्वारा उन्होंने ये कार्रवाई की है, जिससे कि अभी अगले तकरीबन सदन चल रहा है, सदन को ना किस प्रकार से सदन जो है ना चल पाए, ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, अब ये करो और वो करो और वो करो, लड़ाई एकदम नहीं छिड़ती है, नंबर दो। और लड़ाई के लिए बड़ी जब 1971 की बात भी जब सुनिए, जब मानिक शाह ने मना कर दिया था कि मई के महीने में मैं नहीं जाऊंगा, तब उसके बाद में तैयारी की और उसके बाद में लड़ाई दी और लड़ाई जीते, इसके लिए बहुत सोचने की आवश्यकता। मैं तवांग में भी रह के आया हूं और लेह लद्दाख में भी दो टेन्योर करके आया हूं। उसके अलावा मैं कहूंगा कि आज भारत की प्रभुता पूरे विश्व के अंदर है, और उसका कारण क्या है कि भारत के अंदर जो हमारा, जिसको अभी थोड़ी देर पहले अमिताभ जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए आत्म यानी भारत में बनाई हुई चीजों को दिया जाए। अंग्रेजों ने देखा क्या किया, यहाँ से हमें लूटा, यहाँ का रॉ मेटेरियल ले जाकर के ब्रिटेन में बनाया और वही चीज हमें ला करके यहाँ दी गई। उसके अलावा अभी देखिए कोरोना फैलाया चीन ने, और चीन के कोरोना फैलाने से यदि भारत की ये या हमारी सरकार, यदि इन्होंने हमारी भारत की सरकार कहूंगा, मेरी सरकार या आपकी किसी की सरकार, हम सब की सरकार है, उसने यदि वैक्सीन नहीं बनाई होती तो कम से कम 4-5-10 करोड़ लोग भारत के अंदर मर जाते आज भी, यदि भूखे मरते, यदि वैसे नहीं मरते तो आज भी, यदि खाना मिल रहा है हमारे जो यानी लोगों को सांत्वना मिल रही, हर एक चीज यहां बनना शुरू हो गई है। आज हथियार हमारे पास नहीं हुआ करते थे, 303 से हमने लड़ाई लड़ी, आज हमारे पास में सही तरीके हथियार, हमारे इंडिजिनियसली, हमारा तेजस हवाई जहाज लीजिए, वो गन लीजिए, अब क्या नाम है अभी, अब नए दूसरे तमाम हथियार बन रहे हैं, किस किस चीज, कौन कौन सी चीज बन रही है यहाँ पर, एक से एक बढ़कर तैयार हो, इकोनॉमी भी लीजिए 10वें स्थान से 5वें पहुंचे, अगले 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 हो सकता है 3-4 महीने के अंदर हम तीसरे स्थान पर पहुंचेंगे विश्व के अंदर वैश्विकता पटल के ऊपर, भारत का हम सभी का नाम हो रहा है। आदित्य जी, अभी जलन इसी पर, गोपाल जी अभी 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 रुकिए, आदित्य जी जी, हथियारों के मामले में हम कितना सक्षम हुए और कितना आत्मनिर्भर हुए उनके निर्माण में, उनके मेंटेनेंस में, दोनों जी, में जी। मैं आपको एक अभी जो लेटेस्ट वो चल रहा है, अगर आपने यूक्रेन वॉर पे ध्यान दिया होगा तो उसमें काफी ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है जी। चाइना, अगर आपको मैं सबकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जितना ज्यादा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जितना पैसा खर्च करता है, उसका 3 गुना लगभग पैसा खर्च करता है,
पूरे दुनिया से खाली चिप्स इंपोर्ट करता है, ठीक है, जिनको कि वह आगे आने वाले समय में ड्रोन और सब में इस्तेमाल करने वाला है। मैं यह इसलिए थोड़ा बताना चाह रहा था कि आने वाला जो युद्ध है, चाइना जिसकी तैयारी कर रहा है, वह सब AI एनेबल्ड वेपन होंगे, जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम जिसकी बात करते हैं। अभी हम, बड़ी अच्छी बात है कि हम तमाम एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं, हमारे तेजस और ये सब, लेकिन आने वाला या हमारी तमाम मिसाइल सिस्टम, रॉकेट सिस्टम चालू हो रहे हैं, लेकिन जो भविष्य है, जो चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है, वह हमारे सबके लिए जानकारी बहुत जरूरी है। वह होगी अब आगे आने वाली लड़ाई है रोबोट, जो हम AI इस्तेमाल, जी, अब उसके लिए चाइना की तैयारी है। अभी हम, अगर आप देखें, अब जाके इंडिया में पहली जो हमारी चिप्स बनाने की जो सॉरी आपके हमारे ये बनने क्या कहते हैं सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए, वेदांता ने अभी एक वो साइन किया ताइवानीज कंपनी के साथ, गुजरात में लगने जा रहा है। तो यह अब सोचिए कि अब हम जाके सेमीकंडक्टर्स या चिप बनाना शुरू कर रहे हैं, और जबकि चाइना जो है, भले वह वर्ल्ड क्लास चिप्स नहीं बना रहे, लेकिन तब भी उनके पास बल्क प्रोडक्शन के लिए आज उनके वह तैयार हैं आपके ड्रोन्स, और बल्क प्रोडक्शन के लिए उनके तमाम बॉर्डर पे अगली लड़ाई जो होगी, वह हम समझ लिए कि जो हमारे नॉर्मल कन्वेंशनल वेपन्स हैं, जिनको हम आर्मर्ड आर्टिलरी या रॉकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इससे नहीं होगी। तो इंडिया इसकी तैयारी करनी है। मैं और ये आप देखिएगा, जब अगला, जब भी अभी चाइना 2030 से पहले हमसे कोई मेजर लड़ाई लड़ने नहीं जा रहा है, उस समय की तैयारी के विषय में अगर हम अभी संजीदा नहीं हुए, हम उसकी तैयारी नहीं करते, तब वह जरूर भविष्य के लिए। आदित्य जी, आपने बहुत बड़ी बात कही।